मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गायनी इंस्ट्रूमेंट्स की। फाइनल ईयर में आपके एग्जाम्स में आपसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। गायनी के इंस्ट्रूमेंट्स सिंपल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डीएनसी, डिलीवरी, सिजेरियन एवं हिस्टेक्टमी के। उसके अलावा लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनकी बात हम अलग से करेंगे। बच्चों, हर इंस्ट्रूमेंट में देयर इज वन मेजर फंक्शन, एक मुख्य काम होता है उसका। यदि आपका वायवा अच्छा जाता है तो एग्जामिनर आपसे उसके फर्दर यूजेस पूछता है। तो आज हम आपको हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस पर बात करेंगे। और एफर्ट है हमारा कि आज का ये जो वीडियो है आपको गायनी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी डिटेल देगा। टू स्टार्ट विथ, फॉर एनी गायनेकोलॉजिस्ट हम यदि बात करते हैं तो उसकी फिंगर्स यानी कि पीवी से बढ़ के, आज पीपर वजन एग्जामिनेशन से बढ़ के आज भी कोई गैजेट या कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, किंतु कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बिना हमारा काम करना असंभव है। लेट्स टॉक विथ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज सिम्स स्पेक्युलम। मैं चाहूँगी आप इसे ध्यान से देखें, दिस इज सिम्स बाइवेल स्पेक्युलम। बाइवेल, इसमें दो वैल्व है, इनमें दो स्पेस है। इसका काम क्या रहता है, यदि हम यूट्रस को देखें, ये है हमारा यूट्रस और हम वजाइना में इसको डालते हैं और इसके बाद हम इसको एग्जामिन करते हैं। फॉर एनी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन वी यूज दिस सिम्स स्पेक्युलम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये सिम्स स्पेक्युलम है। दोनों सिम्स स्पेक्युलम अलग अलग साइज के हैं क्योंकि हर पेशेंट की वजाइना का साइज अलग अलग होता है। सिम्स स्पेक्युलम के यदि हम यूजेज देखें, बेसिकली दिस इज फॉर एग्जामिनिंग द वजाइना एंड सर्विक्स एंड द फोनाइसिस। इसके साथ जरूरी है कि हम इस दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानें, दिस इज एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जो कि वजाइना की एंटीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करता है और तब हम स्पेक्युलम को डालते हैं। इस पे सिरेशंस होते हैं, सिरेशंस से क्या होता है कि ये टिश्यू को अच्छे से ग्रिप करता है और हम उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। सिम्स स्पेक्युलम से हम वजाइना को एग्जामिन करते हैं, हम सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं, सर्विक्स में यदि कोई इरोजन है उसे एग्जामिन करते हैं, और यदि हमें कॉपर टी डालनी है या हमें कॉटरी करनी है तो ये हमारी मदद करता है। तो ये है हमारा सिम्स स्पेक्युलम। इसके साथ ही हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं चाहूंगी आप जरूर देखें बच्चों, दिस इज कस्कोस स्पेक्युलम, कस्कोस बाइवेल स्पेक्युलम। इसमें दो वाल्व होते हैं, इसको हम कैसे डालते हैं, ये हमारा यूट्रस है, हम इसे, ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, ये यूट्राइन कैविटी है। अगर हम जाएंगे तो दिस इज द पिक्चर, इस तरह से हम यूट्रस में इस स्पेक्युलम को डालते हैं और इसके वाल्व्स को खोलते हैं, आप देख रहे हैं, और इसके बाद इस पेज को टाइट कर दिया जाता है। दिस इज हाउ वी यूज द कस्कोस स्पेक्युलम। आई होप यू ऑल आर क्लियर। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कस्कोस ओवर सिम्स स्पेक्युलम, सिम्स स्पेक्युलम वी नीड अनदर पर्सन टू होल्ड दिस स्पेक्युलम बिकॉज सिंगल हैंडेडली इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड द स्पेक्युलम एंड द एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर। कोई भी प्रोसीजर यदि हमें करना है तो हमें इसे होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इस स्पेक्युलम को होल्ड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एक बार यदि हमने इसको डाल दिया और इसको हमने स्क्रूज अप्लाई कर दिए, दिस इज सेल्फ रिटेनिंग, ये खुद से रह जाता है। पर यूजेज यदि हम देखते हैं तो कस्को स्पेक्युलम के यूजेज भी वही है कि हम सर्विक्स को एग्जामिन कर सकते हैं, कॉपर्टी डाली जा सकती है, कॉटरी की जा सकती है, मगर यदि पेशेंट को प्रोलैप्स है, कस्को स्पेक्युलम यदि डालते हैं तो वजाइना की सब वॉल्स ऊपर चली जाती हैं और हमारे लिए कभी कभी प्रोलैप्स पर कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट है कि पेशेंट को अगर कोई प्रोसीजर करना है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम कस्को स्पेक्युलम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिम्स स्पेक्युलम से हम एग्जामिनेशन करते हैं। एंड आप लोगों को पता होगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड वजाइको वजाइनल फिस्टुला, आजकल ये कम हो गया है, पहले हमारे टाइम में बहुत होते थे पोस्ट डिलीवरी। फिस्टुला के पेशेंट को यदि हमें एग्जामिन करना है, हम उसका स्पंज टेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए सिम्स स्पेक्युलम बेहद आवश्यक है। इसके अलावा प्रोलैप्स के पेशेंट में हम पेशेंट को कफ करा के देखते हैं, स्पेक्युलम डालते हैं और सर्विक्स का लेवल कहाँ तक सर्विक्स आता है, दिस इज नॉर्मल इन प्रोलैप्स, द सर्विक्स प्रोड्यूस थ्रू वजाइना, वो बाहर आता है एंड उसको हम ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री यानी प्रोसीडेंशियल करते हैं। सिम्स स्पेक्युलम प्रोलैप्स के केसेस में, फिस्टुला के केसेस में बहुत ही मददगार है। इसके अलावा कॉपर्टी इंसर्शन में, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। ये है अगला इंस्ट्रूमेंट बच्चों, इसका एक क्लोज लुक लो, दिस इज वल्सेलम। वल्सेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और तुमने देखा यहाँ पे सिरेशंस होते हैं। वल्सेलम का काम होता है कि ये टिश्यू को पकड़ता है।
किसी भी यूट्रस को पकड़ने के लिए, ये हमारा सर्विक्स है और ये हमारा यूट्रस है, इसको पकड़ने के लिए हम यहाँ से वल्सलम का इस्तेमाल करते हैं। एंटीरियर लिप को पकड़ते हैं और जेंटली पुल करते हैं और इसका जो टिश्यू ये ग्रिप करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्रेग्नेंट यूट्रस को इससे होल्ड करने के लिए अवॉइड करना होगा। प्रेग्नेंट यूट्रस को हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट हैव अ क्लोजर लुक बच्चों, ये है हमारा स्पंज होल्डर। आपको समझ में आएगा, इसमें भी क्रिवाइसिस हैं। जितने भी हमारे टिश्यू होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में आपको क्रिवाइसिस मिलेंगे, एक्सेप्ट वन इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको अभी दिखा दूं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है हमारा बेबकॉक। ये दिस इज ओवम फोर्सेप्स। ओवम फोर्सेप में हमारे ना ही लॉक है ना ही सीरेशंस है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पंज होल्डर में और ओवम फोर्सेप्स में, तो मैं इसके बारे में आपको फिर से बताऊंगी, मगर आप देखेंगे कि स्पंज होल्डर में लॉक होता है, इसमें भी लॉक है। जो भी हमारे टिश्यू होल्डिंग होंगे उनमें लॉक भी होगा और उनमें सीरेशन या क्रिवाइसिस होंगे। ओवम फोर्सेप का सिंपल काम है सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को निकालना, इसमें ना ही लॉक है ना ही सीरेशन है। तो दो इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें आपने समझना है कि दोनों ही सर्विस को पकड़ने के लिए काम आते हैं। तो अब अगर हम बात करें वल्सलम की, वल्सलम से जब हम सर्विस को पकड़ते हैं तो नेचुरल सी बात है सर्विस पे किए जाने वाले सारे प्रोसीजर्स, चाहे वो डीएनसी है चाहे वो कॉपर टी इंसर्शन है, वो सभी से बखूबी किए जा सकते हैं। इवन हम लोग जब हिस्टेक्टमी करते हैं, आजकल लैप हिस्टेक्टमी करते हैं, तो हमें जब यूट्रस को बाहर खींचना होता है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद लेते हैं। प्रोलैप्स के ऑपरेशन में भी सर्विस को पकड़ने के लिए ये बहुत ही मददगार होता है। तो दिस इज वल्सलम। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड दिस इज अवर स्पंज होल्डर। बेसिक काम स्पंज होल्डर का है क्लीनिंग पर्पसेस। इसमें हम गॉज डालते हैं और यहाँ से पूरा क्लीन करते हैं, और जब भी हम पेशेंट को क्लीन करते हैं हमेशा हम मीडियल से लैटरल की तरफ जाते हैं ताकि हम बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं लाएं। बाकी यूज इस स्पंज होल्डर के है। स्पंज होल्डर एक बहुत बड़ा हीमोस्टेटिक भी है, कहीं अचानक ब्लीडिंग हो रही है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम स्पंज होल्डर को लगा सकते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन के टाइम हम एक बार फिर से इसकी बात करेंगे। सर्विक्स को जब हम एक्सप्लोर करते हैं डिलीवरी के बाद, अगर सर्विक्स में टेयर हो गए हैं तो हम चारों तरफ से इसको पकड़ते हैं और इसे हम सर्विक्स को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इनफैक्ट हम स्टिचेस भी जब लगाते हैं तो हम सर्विक्स को चारों तरफ से होल्ड करते हैं और उसके बाद हम स्टिच लगाते हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम स्टिच लगाते हैं कभी कभी हम ल्यूमिन में से चले जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम सर्विक्स पकड़ रहे हैं तो हम इसके ल्यूमिन को अवॉइड करके स्टिच लगाते हैं। तो बच्चों दिस इज स्पंज होल्डर फॉर सर्वाइकल एक्सप्लोरेशन। फोरमोस्ट का वर्क इज क्लीनिंग द पेशेंट, सेकेंड इज सर्वाइकल होल्डिंग, एंड थर्ड इज एज अ हीमोस्टेटिक। दीज आर बेसिक मेन पर्पजेज ऑफ स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, यू इफ यू टेक अ क्लोज लुक देर इज नंबरिंग ऑन दिस, आई थिंक यू ऑल कैन अप्रिशिएट, दिस इज यूटराइन साउंड। यूट्राइन साउंड मीन्स वी आर जस्ट गोइंग, यू नो बच्चों यूट्रस एंटीवर्टेड हो सकता है रिट्रोवर्टेड हो सकता है, और हमें क्या करना है कि हमें यूट्रस की पोजिशन को देखना है। दिस इज हाउ वी गो, वी डू अपर वजाइनल एग्जामिनेशन, वी नो वट इज द पोजिशन, दिस इज अ एंटीवर्टेड यूट्रस, सो वी पुट इट एंड दिस इज द बैंड। ये बैंड इसीलिए कि हम डालें, हम इससे यूट्राइन साउंड करते हैं। यूट्राइन साउंड का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे यूट्रस का साइज कितना है। 6 to 9 centimeters इज द लेंथ विच वी टेक नॉर्मली। एंड कॉपर टी यदि हमें डालनी है, कॉपर टी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि कॉपर टी यदि हम डालते हैं तो हम इसी से मेजरमेंट लेते हैं कि हमारे यूट्रस की लेंथ कितनी है, और जस्ट 1 centimeter बिलो फंडस हम यूट्रस ये कॉपर टी को छोड़ते हैं। सिमिलरली फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर इन IVF इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द यूट्राइन लेंथ एंड वी मेजर इट, एंड अवर एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर इज जस्ट 1 centimeter शॉर्ट ऑफ द फंडस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी हमें प्रोसीजर करना है तो हम नॉट फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट, ओनली गायनी पेशेंट, यदि हमें DNC करनी है हमें सर्वाइकल लेंथ भी पता चल जाती है और उसके बाद हम DNC करते हैं, वी मेक श्योर दैट वी डोंट परफोरेट द यूट्रस। यूट्राइन साउंड की दो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, नेवर एवर डू साउंडिंग इन अ पेशेंट वेयर यू आर सस्पेक्टिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंट यूट्रस बेहद सॉफ्ट होता है ये, क्योंकि शार्प एंड है, और आपने यदि डाला इन एडवर्टेंटली हो सकता है कि आप यूट्रस को परफोरेट कर दो। सिमिलरली फॉर पायोमेट्रे पेशेंट, कभी कभी बुजुर्ग पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बस डिस्चार्ज है, उनमें आपको साउंडिंग नहीं करनी है। सो दिस इज साउंड टू मेजर द लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी,
एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा इसका रोल है, कभी कभी कॉपर टी पेशेंट की मिसप्लेस हो जाती है. वी डोंट इवन नो कि कॉपर टी वो यूटरस के अंदर है या बाहर है. सिंपल प्लेन एक्सरे डजेंट हेल्प अस. उस केस में हम इस साउंड को यूटरस में डालते हैं एंड देन वी टेक द पिक्चर विद द कॉपर टी विद द यूटराइन साउंड इनसाइड. और इससे हमें पता चल जाता है कि कॉपर टी इसके रिलेशन में है या बाहर है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन. आपका वाइवा यदि अच्छा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहेगा. हमारे टाइम में ये सब बहुत ही पूछा जाता था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक साउंड इज यूट्राइन डायलेटर. आई वॉन्ट यू टू हैव अ क्लोजर लुक एट डायलेटर. सी देर इज नंबरिंग, दिस इज 5 एंड 6. सो वी हैव, मे बी यू कैन अप्रिशिएट और वेन यू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट जस्ट ट्राई टू सी. दिस इज डिफरेंट साइज, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6. सो वी डायलेट द सर्विक्स ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस. वेन वी आर डूइंग एमटीपी और एनी अबॉर्शन प्रोसीजर, वी ग्रेजुअली डायलेट द सर्विक्स. एंड 6 वीक्स यूट्रस अप टू नंबर 6 डायलेटेशन हेल्प्स. देन इट इज फर्दर यू नो 8 एंड 10, देन 12. सो दीज आर द वेरियस डायलेटर साइजेस. यू कैन हैव अ लुक, क्लोजर लुक. सो 10 वीक्स, 12 वीक्स, नाउ इट इज नॉट सो कॉमन, बट दिस इज हाउ वी गो ऑन डायलेटिंग. इवन बिफोर डूइंग हिस्टेरोस्कोपी वी नीड टू डायलेट द सर्विक्स एंड डू द हिस्टेरोस्कोपिक एग्जामिनेशन. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिफोर डायलेटेशन नाउअडेज वी यूज मीजोप्रोस टैबलेट विच पेशेंट पुट्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर एंड दैट मेक्स इट वेरी वेरी कंफर्टेबल. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द डायलेटर. वेन एवर वी आर डायलेटिंग वी होल्ड इट लाइक अ पेन एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस इज हाउ वी गो. दिस इज एक्सटर्नल लॉस. This is external loss. This is internal loss. So our dilatation has to be just beyond. We hold it like a pen, enter, and just go beyond internal loss. We don't go up to the fundus. There are all chances that we can perforate. Uterine sound. Our PV examination tells us what is the size of the uterus, and then we go and just beyond the internal loss. We hold it like a pen and just go up to the internal loss. So this is one thing that everybody has to know about the. Uterine dilator. These are called Hager's dilator. Okay, and another instrument that we will now talk of is the uterine curette. See, dilator you hold like a pen, and curette you hold like a spoon. See, this is curette which has a sharp end. If you have a closer look, and a blunt end. So why two ends? See, sharp end is to curette only and only. The gynecological uterus, that is non-pregnant uterus. In a pregnant uterus, as I have told you earlier also, pregnant uterus बहुत ही soft होता है. और यदि हम sharp curette use करते हैं तो chances है कि हम इसको perforate कर सकते हैं. So this is how we use blunt curette for a pregnant uterus and sharp curette for non-pregnant uterus. Indications क्या है? Patient को DU भी है, patient infertility का है, patient को साइने की है, उस केस में हम शार्प क्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं. और इसमें भी नंबर होते हैं. तो अगर हम एक बार रिकैपिचुलेट करें, दिस इज द स्पेक्युलम, दिस इज वी कैन हैव अ क्लोजर लुक. दिस इज द सेम स्पेक्युलम, दिस इज द एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. दिस इज हाउ बिफोर डूइंग एनीथिंग वी जस्ट क्लीन द वजाइना विद द स्पंज होल्डर, पुट इन द स्पेक्युलम, असिस्टेंट होल्ड्स इट, वी पुट इन द एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, होल्ड द सर्विक्स विद द स्पंज, दिस इज वाल्सेलम. Then put in a sound to know, and before everything, a PV examination has already been done for this patient. Then we sound the uterus, we dilate the cervix and just beyond the internal loss, and then we go for curetting. So these are basic gyne instruments for DNC, for any procedure. We can just, so I want you to know is Leech-Wilkinson's cannula. HSG is one procedure which is done in infertility OPD in abundance. So how we do about go about it? This is the syringe. We take 20 ml or 50 ml syringe and we take the dye. And important point which I want to emphasize is whenever you are taking dye, you put in the cannula and you remove all the air in the cannula which is already there. And then you insert your dye. This is how you are holding the cervix and you are putting in the dye and you take the films. So this is the cannula for doing HSG. This is Leech-Wilkinson's cannula. Another instrument that you should know is the Babcock. As I told you, when we are comparing this, the sponge holder has a lock and has the crevices here.
वल्सलम हैज गॉट द टीथ हियर, सो दिस हैज गॉट नीदर टीथ नोर लॉक, दिस इज बैबकॉक विच इज रिमूव्ड ओनली फॉर रिमूविंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन एंड दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. And this is usually used when the pregnancy is more than 8 to 10 weeks where we expect more products. Otherwise, simple curettage and dilatation helps. So, this is one instrument. Okay. So, on to another instrument. These are instruments for delivery. So, but you, bachchon, you all know what is a normal delivery. Patient is bearing down. So, what we have to do? We have to clean. So, the same sponge holder will be everywhere in all the procedure once we clean it. Then we have to infiltrate the area for episiotomy, and now these are the specific episiotomy season. If you see, this has got a curve, and this curve helps in putting, when we are putting our hand into the vagina, we put it between the scalp of the baby and the skin. We put the hand and with the scissors we cut it. This can be right mediolateral, it can be left mediolateral episiotomy, and that is how these are the episiotomy scissors. Some other instruments which are common, this is a clamp. This is Cocker's clamp basically, which is used in hysterectomy also. And we hold the cord with this. If you look at the Cocker's clamp, it has got a lock here. And lock is, you know, this is first lock. I hope you can all appreciate this is second lock and third lock. So to have a good grip, all three locks are applied to have a good grip. So when the baby is born, we put this clamp on the cord so that it holds it well and there is no blood loss and all bleeding stops. So this is Cocker's clamp, and you should remember it has got a tooth. And basic purpose why this is not for cord clamp, this is for hysterectomy where we are holding the pedicles. It can be a cord clamp or it can be a straight clamp, and both the clamps will have locks like this. You appreciate first lock, second lock, third lock. So these are the Cocker's clamp which are used for holding the umbilical cord, for holding the pedicles in abdominal hysterectomy, in vaginal hysterectomy, and any tough structure. These are traumatic, so we have to be very careful when we are doing hysterectomy. Any soft structure or any bowel should not come in contact because immediately it pierces. It is very very sharp. So this is Cocker's clamp. Okay, so these are plain artery forceps which you will find in every tray. These are very very important. These are to control bleeding. Anywhere we have bleeding, we just hold with the artery forceps and immediately the bleeding stops. This doesn't have any, like how we had in Cocker clamp, you know, the sharp tooth. There is no tooth. Students often, you know, they get confused between artery. See, this is artery, this is Cocker. If you look at both the instruments, they look similar. Both have lock, both look similar. But और Cocker's देखोगे दिखने में दोनों एक से दिख रहे हैं. How do we differentiate? दोनों में lock है, दोनों का size है. हमें इनको turn करना है, इन्हें खोल के देखना है. Cocker clamp में आपको tooth नजर आ रहा है. ये tooth नजर आ रहा है. This is the tooth. लेकिन artery में ऐसा कोई भी tooth नहीं है. Artery को अक्सर हम soft जो हमारे हैं ऑर्गन्स उनको होल्ड करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज रादर, ब्लड वेसल्स को हमें यदि होल्ड करना है तो हम Cocker से नहीं पकड़ेंगे, हम उसे आर्टरी से पकड़ेंगे और वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. आर्टरी के भी अलग अलग साइज होते हैं. यदि आप देखें सबसे छोटी आर्टरी को हम मस्किटो कहते हैं, वो इसमें नहीं है. इसी तरह से Cocker भी हमारे अलग अलग साइज के होते हैं क्योंकि हर पेशेंट का अपना अपना शरीर फॉर्म होती है. सो दीज आर डिफरेंट साइजेस ऑफ Cocker एंड आर्टरी. तो अब हमने मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए हैं. अगला इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस इज फोर्सेप्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी टिश्यू हमें पकड़ना है. फोर्सेप्स के भी दो वैरायटी होते हैं. यू हैव टू से दिस इज टूथ फोर्सेप्स, दिस इज प्लेन फोर्सेप्स. प्लेन फोर्सेप में टूथ नहीं होता. सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए प्लेन फोर्सेप और हार्ड टिश्यू को पकड़ने के लिए टूथ फोर्सेप, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं. ये इंस्ट्रूमेंट हमें जहां भी हम स्टिच ले रहे हैं, हमें एक साइड को हम जब टिश्यू पकड़ते हैं, जैसे अब हम बात करेंगे नीडल होल्डर की, ये निडल होल्डर है. निडल होल्डर में हमेशा आपको लॉक मिलेगा. इसमें नहीं, हम दूसरा निडल होल्डर है. एक क्लोजअप चाहूंगी मैं निडल होल्डर का. आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे क्रिवाइसिस है जो कि ग्रिप लेता है निडल की, एंड दिस इज हाउ वी होल्ड इट. सिमिलरली कुछ में ग्रिप नहीं होता, लेकिन हर निडल होल्डर में एसेंशियली लॉक होता है. और जब भी हम निडल डालते हैं, हम तीनों लॉक बंद करते हैं. दिस इज हाउ वी होल्ड द निडल होल्डर एंड दिस इज हाउ वी होल्ड इट. एंड इसके साथ हम लोग लेते हैं फोर्सेप्स. कोई भी टिश्यू पे कुछ भी काम करना है तो ये साथ से हम
निडल डालते हैं और इस इधर से हम टिश्यू करते हैं और उसके बाद हम इसे सर्जिकल नोट लगाते हैं। सो दिस इज निडल होल्डर, इसको हमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बार फिर से बता दूँ, टॉकर्स क्लैंप में आपको टूथ मिलेगा, निडल होल्डर में या तो आपको ऐसा एक क्रिवाइसिस मिलेंगे या फिर आपको एक सीरेशन मिलेगा और इसका जो है ये क्रोकोडाइल टाइप ऑफ माउथ आपको डिस्टिंग्विश कराएगा बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट से। ये निडल होल्डर है, ये हमारी आर्टरी फोर्सेप है जिसमें ना ही कोई उसमें सिर्फ सीरेशंस है वो भी हॉरिजॉन्टल और इसके अंदर कोई लॉक नहीं है, इसके अंदर कोई भी अदर देन दिस कोई भी सॉकेट नहीं है जैसा कि इस निडल होल्डर में, यहाँ पे एक प्रॉपर सॉकेट बना हुआ है जिसमें निडल फिट हो जाती है। सो ये इंस्ट्रूमेंट्स है बच्चों, एक या दो बार आप देखोगे तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत ढंग से जवाब दे पाएंगे अपने टीचर्स को। डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स है जिन्हें आपको जानना होगा कि हमारी मेयो सीजर्स है, हमारी कर्व्ड सीजर्स है, हमारी स्ट्रेट सीजर्स है और सीजर का काम तो है टिश्यू को। इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये हमारे हैं डायंस रिट्रैक्टर, दो इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर है। और रिट्रैक्टर का काम क्या होगा, रिट्रैक्टर जैसा कि नाम कहता है रिट्रैक्टर का मतलब ये टिश्यू को अलग अलग करेगा। अक्सर सीजेरियन में हम डायन रिट्रैक्टर का, बड़े रिट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये रिट्रैक्टर जो है ब्लैडर म्यूकोजा को, यूट्रस साइकिल फोल्ड को दूर खींचता है और यूट्रस पे हम इंसिजन लगाते हैं। बेबी का हेड जब हम निकालते हैं उस वक्त हमें इस रिट्रैक्टर को बाहर निकालना होता है क्योंकि अभी डॉयंस के रहते रहते हमने बेबी का हेड निकालने की कोशिश की तो यूट्रस को इंजरी हो सकती है, टिश्यूज के बीच में क्रश हो सकता है। हिस्टेरेक्टॉमी में क्योंकि यूट्रस छोटा होता है तो हम छोटा डॉयंस रिट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के हमारे पास राइट एंगल रिट्रैक्टर्स भी होते हैं। सो दिस आर डॉयन, दिस इज डॉयन रिट्रैक्टर यूज इन सीजेरियन सर्जरी, डॉयंस रिट्रैक्टर यूज इन हिस्टेरेक्टॉमी और इट कैन बी यूज इन सीजेरियन एज वेल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो मैं चाहूंगी बच्चों आपको पता चले, हैव अ क्लोजर लुक, दिस इज ग्रीन आर्मी टाज। आर्मी, आर्मी का काम क्या होता है, मदद करना कोई भी संकट हो। ग्रीन आर्मी टाज इज द रेस्क्यूअर। जब भी हम सीजेरियन करते हैं तुम्हें मालूम है कि यूट्रस बहुत ही वेस्कुलर है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन एजेस कट होते हैं, ग्रीन आर्मी टाज से हम उनको प्रेस करते हैं और तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। हाउ वी होल्ड द यूट्राइन सेगमेंट लाइक दिस, यही काम हम स्पंज होल्डर से भी कर लेते हैं। कभी कभी हमारे पास ओटी में नहीं होता ग्रीन आर्मी टाज, इमरजेंसी में हम सीजेरियन करते हैं तो स्पंज होल्डर भी उसी तरह से उसको होल्ड कर सकते हैं। ओनली थिंग जो मैंने आपको बताया कि स्पंज होल्डर के बीच में ये जो इसमें होल है इसमें कभी कभी हमारी निडल चली जाती है, तो ग्रीन आर्मी टाज इज फॉर हीमोस्टेसिस। दीज आर द ट्रांसफर सीरेशन विच होल्ड द टिश्यू। आपको मालूम है यूट्राइन टिश्यू इज वेरी सॉफ्ट ड्यूरिंग सीजेरियन और ड्यूरिंग डिलीवरी, सो दिस प्रिवेंट द डैमेज एंड कंट्रोल्स हीमोस्टेसिस। सो वी कीप 3 or 4 ग्रीन आर्मी टाज रेडी एंड वी जस्ट होल्ड द यूट्राइन एंड्स। अनदर इंस्ट्रूमेंट सिमिलर लुकिंग इज लाइक एलिस। बच्चों आप जब पहली बार कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एलिस बोलोगे, एग्जामिनर को देख के टेंशन में नहीं आना है, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड कॉमन सेंस यूज करनी है। दिस इज एलिस फोर्सेप्स विच वी यूज वेरी फ्रिक्वेंटली, इसमें भी सीरेशंस हैं। और अगर हम बात करें एलिस की तो जहां हमारा कंफ्यूजन हो जाता है वो हो जाता है वल्सेलम से, क्योंकि दोनों में वही सीरेशंस हैं। एलिस का काम भी ग्रिप करना है, वल्सेलम का काम भी ग्रिप करना है। सर्विक्स हम एलिस से भी होल्ड कर सकते हैं, वल्सेलम से भी। बेसिकली हम सर्जरी में इसको यूज करते हैं फॉर होल्डिंग टफ स्ट्रक्चर्स लाइक शीथ, हमारी जो रेक्टस शीथ है उसको हम एलिस से पकड़ते हैं। सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स लाइक पेरिटोनियम और यूट्राइन मसल्स वी ट्राई एंड अवॉइड होल्डिंग विद एलिस। तो इसको कहते हैं हम एलिस। दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिनके बिना हमारी सर्जरी नहीं हो सकती वो है आर्टरी एंड एलिस। सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ना है तो आर्टरी आ जाती है लाइक पेरिटोनियम, हार्ड टिश्यू को पकड़ना है तो इसे कहते हैं एलिस। अदर यूजेज ऑफ एलिस आर समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू होल्ड, यू नो सर्विक्स इज वेरी हाई अप तो हम वाल्सेलम से नहीं पकड़ पाते तो हम इससे भी पकड़ते हैं। बट आपका प्राइमरी आंसर क्या होगा, दिस इज एलिस फोर्सेप्स यूज फॉर होल्डिंग द टफ टिश्यूज ड्यूरिंग एबडोमिनल सर्जरी और वजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी। ऑल्सो वी होल्ड ऑल द वजाइनल एजेस विद द एलिस एंड एलिस में लॉक होते हैं। सो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं तो हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स में लॉक है। एलिस हैज अ लॉक, दिस इज वल्सेलम विच हैज अ लॉक। वल्सेलम कर्व्ड ही होता है क्योंकि यूट्रस एंटीवर्ट और डिट्रोवर्ट होगा, एलिस हमेशा हमारी स्ट्रेट होती है, देयर इज नो कर्व्ड एलिस। अनदर लॉक इंस्ट्रूमेंट इज स्पंज होल्डर जिसके अंदर ये बीच में आप देख रहे हैं कि ओवल शेप ओपनिंग है। ग्रीन आर्मी टाज आर्मी है क्योंकि ये फ्लैट है, ये एकदम से ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, रेस्क्यू करता है और हम लोगों की हार्ट बीट को नॉर्मल करता है ड्यूरिंग सर्जरी। दिस इज कॉकर्स क्लैंप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टॉमी एंड फॉर होल्डिंग द फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड।
So we recapitulate, we have done the major basic instruments. We will have a closer look at the instruments. So this is our sim speculum, and before that is our sponge holder for cleaning. Then we have the anterior vaginal wall retractor. This is for retracting, and then we have the valsellum to hold the cervix. Then we have uterine sound to know the angle of the uterus. And then we have dilator to dilate the cervix. Then we have the curettage to curette, and you hold it like a pen and you hold it like a spoon. So these are the basic instruments which help in DNC. This is Leech Wilkinson's cannula. Then we have this is the ovum forceps for removing products of conception. There is no other role as of now of this instrument. Then we have plain and tooth forceps for holding any tissue when especially the So any surgery or delivery. This is the episiotomy scissors, and these are other scissors: Mayo scissors, sharp scissors, fine scissors. There are variety of scissors. Then this is the this I have told you. This is the Ellis, and this is valsellum. I have already told. So we go on repeating. See, this is valsellum. This is Ellis. Lock and serrations. This is sponge holder with the oval opening and the lock. This is a Cocker's. This is a straight artery. See, no teeth. This is a curved artery. There is no tooth, but there is a lock. This is long artery. This is the needle holder. Needle holder. There is no cleft here, but another needle holder. This has a cleft for the needle and the lock. This is Dines retractor. This instrument we have not talked. This is a Babcock, which is used for tubectomy. See, we hold the tube like this, so there is no injury, and this is a very important instrument. Nowadays we go more for laparoscopic ligation, so this is not much in use, but this is one instrument you should know. This is for we can hold cervix also at times because this is not traumatic. So when we are giving magnetic stitch, I like to hold with this instrument, but we have to be sure that the thread doesn't pass through this and we are just beyond here. So this is Babcock. This is like cox, you know how. So this is another instrument. This is Hulka's manipulator. Once we have dilated the cervix, and especially during hysterectomy, if the position is like this and we want to manipulate the uterus, or laparoscopic surgeries when we want to see the uterus properly, we dilate the cervix, put in this, and this is just gives a grip on the cervix, and antivert and retrovert. This is Hulka's manipulator. So these are the basic instruments we are finishing with, and a mop is always there in any of the trays, and this is the suction tube that we keep especially with the cesarean surgeries. One more thing I want all of you to know is about the catheters. This is a simple rubber catheter. One important viable question that my madam was very fond of asking: how will you put the catheter? And we just say that clean and drape the patient and put in the catheter. No, whenever you're given a catheter, you take some fluid and check the patency of the catheter. It is always important that you check that your catheter is patent and then only put it, because once you're putting the catheter, it is not patent. You take it out, then recheck, and you are giving infection to the patient. See, the female organs are very, very sensitive, and we have to be sympathetic as a doctor. So always check the patency of this particular rubber catheter. This is basic purpose of this catheter is to drain the urine. This is for the short, like post-operative procedure we have done under short anesthesia, patient doesn't pass urine, or otherwise this is the catheter we use. And this is simple rubber catheter, but at times if the patient is bleeding, supposing there is a injury somewhere and there is nothing else, you can use it as a tourniquet also. This is another use of this rubber catheter. For surgical cases, we use Foley's catheter. Foley's catheter, you have to know, I'm not opening this. See, this is the area which you have to connect to urobag from where urine comes, and this is the catheter balloon. From here, we inflate the balloon. Your syringe should fit in snugly, and you inflate the balloon here. You don't overinflate. Every balloon catheter has the capacity of the balloon mentioned on this, usually 20 ml. The size of the catheter, alag alag size ke, different size ke catheter hote hain. This is 16, 18, even pediatric catheters, number 8 catheter also are there. Basic purpose of Foley's catheter is for
ड्रेनेज ऑफ यूरिन इन पोस्ट ऑफ पेशेंट्स, बट देर आर अदर यूजेस ऑल्सो, लाइक इन HSG वी कैन जस्ट पुट इन द डाई फ्रॉम दिस एंड एंड वी कैन जस्ट फिट द बलून इन द बियॉन्ड द इंटरनल ऑस. वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी डोंट ओवर इन्फ्लेट द बलून बिकॉज कैपेसिटी ऑफ यूटराइन कैविटी एज यू ऑल नो इज जस्ट 5 ml. सो वी पुट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड 5 ml एंड देन यू कैन डू द डाई टेस्ट विद दिस. Sonosalpingogram is also done with the number 8 Foley's catheter. Even after the surgical procedures like intrauterine adhesions, septum resection, we like to put Foley's catheter in uterine cavity for some time. So basic uses for urinary drainage, other uses are for dye test or for intrauterine adhesion removal and for treatment after resection of septum. So these are the basic use. Another is a Mallicord catheter, beautiful catheter. I don't know how many of you have been in surgery OT. Whenever we want to put in a drain, we just cut it from here and then put it as a drain. This is a very good catheter. अगर हमारे पास कैथेटर नहीं है, इमरजेंसी में हमें करना है, तो फीडिंग ट्यूब होती है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, बेबी फीडिंग ट्यूब, हर जगह उपलब्ध होती है, एवरीवेयर इट्स अवेलेबल, नंबर 5, नंबर 7. सो दिस इज इन्फेंट फीडिंग ट्यूब विच कैन वेरी वेल बी यूज्ड एज कैथेटर. सो ये दीज आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों, जो मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है. एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कम आउट विद सजेशंस. गायनी बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है एंड लाइफ विदाउट गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द गायनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड द गायनी प्रोसीजर्स ऑल्सो. सो आई विल कीप अपडेटिंग यू. नाउ आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट द लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज हाउ वी विल गो. थैंक यू, गुड बाय, गुड लक.